कुल खानदान में श्राद्ध नहीं होते, उनके कुल खानदान में दीर्घजीवी आत्माएं ज्यादा नहीं आती, बुद्धिमान और माता पिता का आदर करने वाली संतान नहीं होती, पितृगण तृप्त न होने से पितृ दोष लगता है। ऐसे में गृहस्थियों के घर में बीमारी कर्ज पीछा नहीं छोड़ते, संतान नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है और एक ही दायरे में घूमते रहते हैं और भी न जाने कितनी ही समस्याएं घर कर जाती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जो पितृगण का पूजन नहीं करते या पितरों को नहीं मानते, ऐसे पितृगणहीन व्यक्ति के सत्कृत्यों से ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, समस्त प्राणी ना ही संतुष्ट होते हैं और ना ही स्वीकार करते हैं। लेकिन जो पितृ पूजन आदि करता है उस पर इन सभी की प्रसन्न दृष्टि रहती है, इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों को जो श्रद्धामय प्रसाद मिलता है उससे वे तृप्त होते हैं। श्राद्ध करने से आपको भी मंगलमय लाभ होगा। पद्म पुराण में आता है कि जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, इसलिए देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है।